Okay, hi dear student. Today we are going to learn our next lesson, that is 1.4, the King's Choice. But before that, take your homeworks. Okay, I will explain it. आपको देखो यहाँ पे figure of speech. Sorry. Okay, देखो यहाँ पे हमारा एक language study था एज अ ग्रामर. आपको यहाँ पे ये देखना है और आपको ये होमवर्क भी है, तो आपका जो एलिट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, एलिट्रेशन ये किस में आता है? पोएम में आता है. ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच. व्हेन द सेम साउंड अकर एट द बिगनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड इन द सेम लाइन, इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, नैना नीड न्यू नोटबुक. ओके, फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम, कलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. अभी हमको यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच में क्या बताना है, एलिट्रेशन हमको दिया है. और देखो हम लोग जब मीन जब हमको जब जब पोएम आएगा ना, तो उसमें एक वन या फिर टू मार्क्स के लिए ये फिगर ऑफ स्पीच पूछता है. तो देखो इस पोएम में हमको दिया था एलिट्रेशन. तो एलिट्रेशन का मीन्स क्या है, देखो अभी हम लोग एक ऐसे ही कॉमन सेंस लगा के मैं आपको ऐसे ही मतलब जस्ट फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपको कुछ भी ट्रिक बता रही हूँ कि एलिट्रेशन लास्ट में क्या है, ट्रेशन. ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ना रिपीटेशन. ठीक है, जो चीज़ रिपीट होता है उसको रिपीटेशन बोलते हैं. और यहाँ पे क्या है, एलिट्रेशन है. तो दो चीज़ याद रखना, क्योंकि रिपीटेशन भी आता है प्लस एलिट्रेशन भी आता है. अभी इसमें सिर्फ हमको क्या बोला है, एलिट्रेशन करने के लिए. तो एलिट्रेशन में क्या बोल रहा है, व्हेन द सेम साउंड अकर एट द बिगनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स. अगर टू और मोर वर्ड्स मतलब कि दो या दो से ज़्यादा कोई भी वर्ड्स रहेंगे और उसका जो बिगिनिंग स्टार्टिंग का जो वर्ड का साउंड है अगर वो सेम आता है और सेम लाइन में दो बार आता है तीन बार आता है तो इट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन. जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, नैना नीड्स न्यू नोटबुक. तो इसमें देखो हम लोगों को क्या देखना है, फर्स्ट लेटर देखना है. फर्स्ट लेटर दिख रहा है इसमें एन है, फिर से एन है, फिर से एन है, फिर से एन है. ठीक है, अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन क्या आ रहा है, एन एन एन. दैट मीन्स देखो जो साउंड है एन एन का ही साउंड हो रहा है, नैना नीड्स न्यू नोटबुक. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज एलिट्रेशन, जिसमें हमारा लेटर जो क्या है, सपोज इसमें फोर टाइम आया है ना, अगर फोर टाइम नहीं थ्री टाइम या फिर टू टाइम्स भी है तो हम उसको एज अ एलिट्रेशन कंसिडर कर सकते. तो आपको क्या बोला है, फाइंड द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम एंड कलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. तो आपको एलिट्रेशन का एग्जाम्पल कलेक्ट करना है, ये जो हम लोग ने पोएम लास्ट टाइम देखा था. ठीक है, तो इसमें से हम लोग को देखना है कि ऐसी कौन सी लाइनें. देखो, ग्रीन ग्रास ग्रो मिल गया एक, इसमें भी जी है, इसमें भी जी है, एंड देन लास्ट में भी जी है. तो आपको ऐसे ही इसमें और कौन से हैं एग्जाम्पल वो कलेक्ट करके लिखना है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, 1.4 द किंग्स चॉइस. ठीक है, देखो यहाँ पे एक स्टोरी दी है और इसमें हम लोग क्या पता चलने वाला है, किंग्स चॉइस, कि किंग का चॉइस क्या है. ठीक है, किंग मीन्स हम लोगों सबको पता है राजा. तो बट यहाँ पे कौन से किंग की बात हो रही है वो हम लोग जब इसको रीड करेंगे तो पता चलेगा, बिकॉज ऑफ कि ह्यूमन बींग में भी किंग होता है और यहाँ पे फॉरेस्ट में भी किंग होता है. तो यहाँ पे जो हमको स्टोरी है वो किसके बारे में है, फॉरेस्ट के बारे में. ठीक है, देयर वॉज वंस अ लायन हु वॉज किंग ऑफ द फॉरेस्ट. ही वॉज बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड वेरी फायरसी. ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि देयर वॉज वंस अ लायन, या एक समय की बात है कि एक क्या था, लायन था, हु वॉज अ किंग ऑफ फॉरेस्ट, और जो किंग फॉरेस्ट का क्या था, किंग था. ही वॉज बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड वेरी फायरसी, वो बहुत ही बड़ा था, स्ट्रांग भी था, वेरी फायरसी दैट मीन्स भयंकर भी था. ठीक है, All the other animal in the forest call him king. They bought him gift from every corner of the forest. और जो other animals थे, ठीक है, वो लोग उसको क्या बोलते थे, king. They brought, वो लोग हर एक चीज़ क्या करते थे, brought him, उसको बहुत सी चीज़ देते थे, उसके लिए लेकर आते थे, gift from every corner of the forest. फॉरेस्ट के हर एक कॉर्नर से उसके लिए गिफ्ट लेके आते हैं. यहाँ पे गिफ्ट मतलब क्या है, जो हम पैक करके लेके आते हैं वो नहीं, दैट मीन्स उसको खाने के लिए जो भी नई नई ठीक है, जो भी नए एनिमल्स है कुछ भी है, तो वो सारी चीज़ें इसके लिए लेकर आते थे, क्योंकि ये क्या है, जो लॉयन है वो क्या है, किंग ऑफ फॉरेस्ट. बट नो मोर द लॉयन हैड द मोर ही वॉन्टेड. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द मोर द लॉयन हैड, जितना ही उसको मिलता था उतना ही उसको और चाहिए होता था. मोर ही वॉन्टेड, अ किंग मस्ट हैव अ कोट
ही सेड टू हिमसेल्फ वन डे, वो खुद से एक दिन बोलता है कि अगर मैं किंग हूँ तो किंग का एक क्या होना चाहिए, कोर्ट भी होना चाहिए। कोर्ट मतलब क्या, जो राजा लोग का महल ये ऐसी चीज़ होती है ना, उसको कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ही कॉल अ फॉक्स टू हिज साइड, वो अपनी तरफ फॉक्स को बुलाता है। यू आर नोन टू बी एज अ वाइज एंड क्लेवर क्रिएचर फॉक्स, सेड द लॉयन, आई वॉन्ट टू बी माई एडवाइजर। तो वो फॉक्स को बुलाता है और बोलता है कि आपको लोग किस लिए जाते हैं, जानते हैं, नोन टू बी दैट मीन्स जानना, वाइज एंड क्लेवर क्रिएचर, तुम क्या हो, बहुत ही वाइज एंड क्लेवर हो। ठीक है, मतलब कि बहुत शार्प माइंडेड जो होता है उसको बोलते हैं। सेट द लॉयन, आई वॉन्ट यू टू बी माई एडवाइज़र, मैं तुमको कैसे रखना चाहता हूँ, एज अ एडवाइज़र, तुम मेरे एडवाइज़र बनोगे, मुझे क्या करना है कैसे करना चाहिए तुम उसकी एडवाइस होगे। थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड फॉक्स ब्लोइंग लो। तो उसको बोलता है थैंक यू योर मैजेस्टी, मतलब जब हम किसी को रिस्पेक्ट देके बोलते हैं राजा जी, एंड सेड फॉर द सेड द फॉक्स ब्लो बोइंग लो, बोइंग दैट मीन्स झुकना। जब देखो, अगर हम देखते कोई भी किंगडम जब देखते हैं तो वहाँ पे जब कोई राजा होता है, अगर कोई भी आता है तो उसको झुक के ऐसे प्रणाम जैसे करते हैं ना, तो सेम थिंग। ठीक है, द लॉयन नेक्स्ट कॉल द लियोपार्ड टू हिज साइड, अब वो किसको बुलाया, लियोपार्ड दैट मीन्स तेंदुए को बुलाया। यू आर नोन टू बी वॉचफुल एंड स्विफ्ट ऑफ द फूट लियोपार्ड, आई वॉन्ट टू बी माई बॉडी गार्ड। तो उसको क्या बोला कि तुम बहुत स्विफ्ट, मतलब कि कहीं से भी निकल के रास्ता बना के यहाँ से वहाँ से भाग जाना, और वॉचफुल भी हो। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू बी माई बॉडी गार्ड, मैं तुमको क्या बनाना चाहता हूँ, अपना बॉडी गार्ड। थैंक यू योर मैजेस्टी, सेट द लियोपार्ड बोइंग लो। फिर वो भी बोलता है थैंक यू और फिर झुक झुक के उसको नमन करता है और फिर जाता है। द लॉयन देन कॉल्ड अ वल्चर टू हिज साइड, तो अब वो किसको बुलाता है, वल्चर को। वल्चर दैट मीन्स क्या है, हम लोग उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग गिद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, एक बर्ड है जो बहुत हाईएस्ट क्या होता है, स्काई में फ्लाई कर पाता है। ओके, हाउ मैनी मिनट, 7 मिनट, ओके लेट्स सी। द लॉयन कॉल्ड वल्चर इज साइड, यू आर अ बर्ड वल्चर एंड कैन फ्लाई हाई, देखो बोल रहा है कि तुम एक बर्ड भी हो, वल्चर हो, एंड यू कैन फ्लाई हाई, और तुम बहुत ऊपर तक उड़ सकते हो। यू आर टू बी माई मैसेंजर, तुम मेरे क्या बनोगे, मैसेंजर, उसको जो भी मैसेज दैट मीन्स एक दूसरे के पास पास करना है तो तुम मेरे मैसेंजर बनोगे। ठीक है, इतना। हाउ मैनी पेजेस, 1, 2, 3, 4, 5, दैट मीन्स हम लोगों को अब ये लेसन 2 पार्ट्स में पढ़ना है। ठीक है, अभी यहाँ पे आज हम लोग सिर्फ पार्ट 1 ही क्लियर कर पाएंगे। ओके लेट्स सी वेयर इट इज़। हाँ, द फॉक्स द वल्चर एंड द लियोपार्ड टू कैन ऑथ ऑफ लॉयलिटी टू द किंग, द किंग प्रोमिस टू गिव देम फूड एंड प्रोटेक्शन। देखो, तो फिर जो फॉक्स है, वल्चर है, लियोपार्ड, तीनों को उसने ले लिया ऑथ ऑफ लॉयलिटी टू द किंग, अब ताकि वो लोग किंग के साथ में क्या, लॉयलिटी पेश करे और उसके साथ ही रहे। किंग प्रोमिस टू गिवन देम फूड एंड प्रोटेक्शन, तो किंग ने उन लोगों को प्रोमिस किया कि मैं तुम लोगों को फूड भी दूंगा और प्रोटेक्शन भी। ठीक है, प्रोटेक्शन दैट मीन्स उनकी सुरक्षा भी करेगा। फॉर सम टाइम ऑल वेंट वेल इन द कोर्ट ऑफ द लॉयन किंग, द थ्री कर्टियर नेवर अपोज द किंग Oppose the king. His wishes were law. Where he roared, he stood in awe. Whenever he took a walk, they follow him. देखो, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब इन लोगों का कोर्ट बन गया, all went well in court. कोर्ट में सब कुछ अच्छा चल रहा था, किसके कोर्ट में, लायन किंग के। उनके 3 courtiers भी थे, वो 3 courtiers थे जो उनको कभी भी अपोज नहीं करते थे, मतलब कि उनको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देते थे, और उनके जो भी विशेष होती थी उसको वो पूरा होकर फुलफिल करते थे। वेन एवर ही रोड दे स्टूड इन अवे, जब भी वो रोर मीन्स क्या होता है, जो शेर की आवाज़ निकलती है ना, जैसे डॉग क्या करता है, बाक करता है, ठीक है, मतलब भौंकता है, तो वैसे ये क्या करता है, रोर करता है। जब भी ये रोर करता था, आवाज़ निकलता था, तो वो लोग सब क्या होते थे, आके खड़े हो जाते थे। वेन एवर ही टूक अ वॉक, जब वो चलता था, वॉक करता था, दे फॉलो हिम, तो वो तीनों उसको क्या करते थे, फॉलो करते थे। वेन द लॉयन किंग वेंट हंटिंग, दे फाउंड द एनिमल फॉर हिम टू किल, एंड आफ्टर ही हैड हिज मील। ओके, देखो पहले ये वाला पैसेज का मीनिंग देख लेते हैं।
When the lion king went hunting, जब भी lion king कहाँ पे जाता था, hunting के लिए, मतलब कि शिकार करने, they found the animal for him to kill, और वो उनके लिए एक एनिमल उनको मिल जाता था और वो उसको क्या करते थे, मारते थे, and after he had his meal, और फिर इस तरह से उसको वो खा लेता था, वो उसका मील बन जाता था, ठीक है, दैट मीन्स कि उसका खाना बन जाता था. हाउ मेनी मिनट्स, 10. ओके. एंड मील ही लेव द रिमेन ऑफ देम, और जो बचा हुआ जब वो खा लेता था और जो भी बचता था तो वो उनको दे देता था, किनको, जो उनके तीनों कर्टियर्स थे वो. सो दे ऑलवेज हैड एनॉक टू ईट, तो उनके पास इस तरह से बहुत सारा खाने को होता था. वन डे द वल्चर कम बैक फ्रॉम फ्लाइट, मतलब कि वो उड़ने के बाद जो कहीं की पी गया होगा वहाँ से आया, योर मैजेस्टी हैव यू एवर ईटन अ कैमल, तो वो उसने पूछा, ही आस्क, किसने पूछा, हु आस्क्ड, वल्चर, ओके, योर मैजेस्टी हैव यू एवर ईटन अ कैमल, आपने कभी कैमल खाया है क्या, ठीक है, ही आस्क, इट इज़ वेरी टेस्टी, आई एट इट वंस इन द डिजर्ट, तो उसने क्या बोला कि इट इज़ वेरी टेस्टी, बोला कि मैंने तो कैमल खाया है, बहुत ही टेस्टी रहता है, आई एट इट वंस इन द डिज़र्ट, मैंने एक बार वो डिज़र्ट, यहाँ पे क्या है, डिज़र्ट एरिया होता है ना, डिज़र्ट एरिया दैट मीन्स जो रेगिस्तान होता है जहाँ पे पानी वानी नहीं मिलता, ठीक है, तो बोल रहा है कि मैंने एक बार वहाँ पे कैमल खाया था, और कैमल मोस्टली कहाँ मिलता है, डिज़र्ट एरिया में ही मिलता है. द लॉयन हैड नेवर सीन अ कैमल बट ही लाइक द आइडिया ऑफ ट्राइंग कैमल्स मीट, देखो लायन को ना कभी भी उसने देखा नहीं था, नेवर सीन अ कैमल, उसने कैमल को कभी देखा ही नहीं था, बट ही लाइक द आइडिया, बट उसको यह आइडिया अच्छा लगा कि हम लोगों को कैमल का जो मीट है, ठीक है, मटन है, वो ट्राई करना चाहिए खा के. बट वेयर कैन वी गेट अ कैमल, ही आस, तो फिर जो लॉयन है, ही यहाँ पे कौन है, लॉयर, ठीक है, तो लॉयन पूछ रहा है कि बट वेयर वी कैन गेट अ कैमल, कि हमको कैमल मिलेगा कहाँ, देयर इज़ अ डिजर्ट सम माइल्स अवे, सेट द वल्चर, तो वल्चर बोलता है यहाँ पे माइल्स अवे, मतलब थोड़ी दूरी पे क्या है, हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे हमको डिजर्ट एरिया मिलेगा. आई वॉज फ्लाइंग ओवर इट वेन आई सॉ अ लॉन कैमल नॉट फॉर अवे, आई लुक बिग एंड फैट, बोल रहा है कि मैंने फ्लाई करते हुए एक क्या देखा, कैमल को देखा भी था. आई सॉ अ लॉन कैमल नॉट फॉर नॉट फार अवे, मतलब कि वो कैमल ज़्यादा दूर नहीं है. इट लुक बिग एंड फैट, वो बहुत ही बड़ा और क्या है, फैटी, मतलब कि मोटा भी है, तंदुरुस्त है. द लॉयन लुक एट हिज अदर एडवाइज़र, तो फिर वो लॉयन है ना, तो जो उसका एडवाइज़र कौन है, फॉक्स है, तो उसकी तरफ उसने देखा कि वो क्या एडवाइस करेगा. दे वर वाइज एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि उन लोगों को बहुत ही एक्सपीरियंस था, ठीक है, किसको, एडवाइज़र को. ही वॉन्टेड देयर ओपिनियन, और फिर लॉयन को उसका ओपिनियन चाहिए था. नाउ द फॉक्स एंड द लियोपार्ड डिड नॉट नो द डिजर्ट, देखो अभी यहाँ पे बोल रहा है कि जो फॉक्स और लियोपॉड है उन लोगों को भी पता नहीं था डिजर्ट के बारे में. बट दे डिड नॉट वॉन्ट द वल्चर टू सीम विजर देन देम, लेकिन वो लोग जो क्या है, बट दे डिड नॉट वॉन्ट द वल्चर टू सीम विजर देन देम, तो वो ऐसा वल्चर को नहीं चाहते कि वल्चर कोई चीज़ लाइन के लिए कर रहा है और ये ना करे, ऐसा ये नहीं चाहते थे. सो दे सेड सिंस इट वॉज द वल्चर्स आइडिया ही शुड लीड द वे, वो लोग बोलते कि ठीक है ये आइडिया किसका है, वल्चर का है, तो हम लोगों को जो वे रास्ता है वो कौन बताएगा, वल्चर बताएगा, ठीक है. नेक्स्ट डे मॉर्निंग, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्या होता है, द लॉयन एंड हिज स्क्वाड स्टार्टेड ऑफ द कैमल हंट, लोग कैमल हंट के लिए निकल जाते हैं. दे रीच द एज ऑफ डिजर्ट ईजिली, वो लोग जो डिजर्ट का एज है, कोना है, मतलब जहाँ से एंट्री करेंगे वहाँ पे ईजिली रीच कर जाते, पहुँचते हैं. बट आफ्टर दे लेफ्ट द शेल्टर ऑफ द फॉरेस्ट द डे बिकम वेरी हॉट, लेकिन जैसे ही वो लोग एक घर पार करके फॉरेस्ट का घर छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं तो जो डे है वो बिकम वेरी हॉट, मतलब कि बहुत गर्मी होने लगती है. द सन शोन डाउन विथ फायर हॉट रेस, और जो सन का शोन है दैट मीन्स कि जो सन का किरणें बोलते हैं ना, जो लाइट आ रहा था नीचे की तरफ, डाउन विथ फायर हॉट रेस, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे आग लगता है ना, वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ठीक है. नेक्स्ट, हाई अप इन द कूलर एयर द वल्चर फ्लेव, अभी देखो जो वल्चर है वो बहुत ऊपर तक जाता है, तो जहाँ पे ऊपर ऊपर जाते तो ज़्यादा कूल होता है, तो जहाँ पे कूलर था वो वहाँ पे उड़ रहा था. हरी अलोंग ही कॉल्ड द कैमल इज नॉट फार ऑफ, वो बोलता है कि जल्दी जल्दी करो नहीं तो वहाँ से कैमल क्या होगा, नहीं होगा, वो चला जाएगा.
बट द लॉयन कुड नॉट हरी एनीमोर, लेकिन लॉयन जल्दी बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। द हॉट सैंड हैड बर्न हिज पॉन्स, और जो ये हॉट सैंड था, सैंड मतलब रेती होता है, तो जब धूप होती है तो रेती क्या होता है, गर्म हो जाता है, जो सैंड था बालू, ठीक है, तो बर्न हिज पाउस, तो फिर जो लॉयन है उसका जो पैर का पंजा होता है पाउस, ठीक है, उसको बर्न कर रहा था, मतलब कि जल रहा था। ही कुड गो नो फर्दर, अब वो आगे नहीं जा सकता था। स्टॉप ही शाउटेड टू द अदर, फिर वो बोलता है स्टॉप बाकी के लोगों को। लेट्स गो बैक टू द फॉरेस्ट, आई डू नॉट केयर टू ट्राई कैमल मीट, बोलता है कि चलो हम जंगल वापस जाते हैं क्योंकि मुझे कैमल का मीट ट्राई नहीं करना है। द लॉयन किंग्स एडवाइजर वर फ्रेटेंड, द फॉरेस्ट वॉज फॉर बिहाइंड देम एंड दे डिड नॉट नॉट नो हाउ टू गेट द लॉयन बैक होम। देखो तो फिर जो उसके किंग्स के एडवाइज़र थे तो उन लोगों को थोड़ा सा फ्राइटेंड मतलब कि गुस्सा होता है। द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड देम, क्योंकि जो फॉरेस्ट था वो उन लोग से बहुत ही दूर था, फार बिहाइंड, उनके बहुत ज़्यादा पीछे छूट गया था। एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट द लॉयन बैक, अब उनको नहीं पता था कि इतने दूर वो लोग लॉयन को वापस कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि उसकी पैर जो था पाव वो पूरा क्या हो गया था, जल गया था, ठीक है। द लियोपॉड वॉन्टेड टू रन अवे, तो जो लियोपॉड था उसने सोचा, वॉन्टेड मतलब वो चाहता था कि भाग जाए। द वल्चर वॉन्टेड टू वॉच एंड वेट द ईट द लॉयन लेटर ऑन, जो वल्चर है वो चाहता था क्या, वॉच एंड वेट मतलब कि वो वहाँ पे रुके और इंतज़ार करे, एंड ईट द लॉयन लेटर ऑन, और वो बाद में क्या करे, लॉयन को ही खा जाए, ठीक है। वो चाहता था कि अब तो ये थक गया, ये नहीं जाएगा, तो हम लोग इसी को खा लेंगे। बट द क्लेवर फॉक्स, लेकिन जो क्लेवर फॉक्स था, थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक प्लान बनाया। ऑफ इन टू द डिजर्ट ही रैन सेइंग आई विल ब्रिंग सम हेल्प, बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ हेल्प करूँगा। आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम द फॉक्स फाउंड द कैमल, देखो जब वो थोड़े देर रन करके जाता है तो वहाँ पर उसको क्या मिलता है, फाउंड अ कैमल। द कैमल वॉज इंडीड सरप्राइज टू सी हिम, और जो कैमल है इन लोगों को देख के बहुत सरप्राइज हो जाता है। हरी अ फ्रेंड कैमल सेट द फॉक्स, आवर किंग वॉन्ट्स वॉन्ट्स यू एट वंस, तो बोलता है हरी अ फ्रेंड कैमल, कैमल को बोलता है जल्दी करो, सेट द फॉक्स, आवर किंग वॉन्ट्स यू एट वंस, जो हमारा किंग है वो तुमको अभी खाना चाहता है, ठीक है। योर किंग सेट द कैमल, फिर कैमल बोलता है आपका किंग हु इज़ दैट, वो कौन है, आई डू नॉट नो एनी किंग, मैं तो किसी भी किंग को नहीं जानता हूँ, आई ओनली नो माई मास्टर, मुझे तो सिर्फ अपने मास्टर के बारे में पता है। फॉर हुम आई कैरी गुड अक्रॉस द सिट, जिसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो गुड्स है, गुड्स क्या है यहाँ पे, जो सामान होती है, ठीक है। तो डिजर्ट सॉरी कैमल लोग क्या करते हैं, डिजर्ट एरिया से दूसरे एरिया में जो सामान ढोने का काम होता है वो करते हैं, तो मैं वही कर रहा हूँ, ओके। तो ये हमारा पार्ट वन यहाँ पे हम लोग आज एंड करते हैं, पार्ट टू हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब इसमें से आपको जो हार्ड वर्ड्स है उसको क्या करना है, फाइंड आउट करके लिखना है, और इस स्टोरी को फिर से एक बार आप लोग पढ़ोगे। कितने पेज हो गए, 1 2 3 अभी 4 5, ठीक है, थैंक यू।